नमस्कार बड़ों को बुजुर्गों को। मेरा नाम सुनील शर्मा है, गांव सालवन, तहसील असंध, जिला करनाल। लगभग 2011 से ही खेती पे काम कर रहा हूं मैं। 2010 में मैंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करी थी, उसके बाद एमटेक भी करी। लेकिन 14-15 आते आते राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद, क्योंकि वही जैसे भाई साहब कह रहे थे नी, नू कहीं तो चंदना सा लिकड़ आया वो चंदना सा राजीव जी ने दिखाया था। क्योंकि जो आज जितना युवा है वो लगभग भटके हुआ है, युवा है, यही नहीं पता कि करना क्या है, जाना कौन से रास्ते है और मंजिल क्या है, वो पता है ही। तो उस टाइम वो पता चला, तो शुरुआत तो आ गई थी समझ की, शुरुआत हो गई थी 11 तक, लेकिन पूरी तरह मजबूत होते होते 2014-15 तक आ गए। तो फिर नौकरी छोड़ दी, खेती पे काम कर रहे हैं। और ये अभी तक लगभग 8-7 साल से पूरी तरह, जैसे कल हमें उधर थे, परसों आंगनवाड़ी वर्करों के बीच में थे करनाल में, वे जी उनमें लगभग 5-6 ब्लॉक की आंगनवाड़ी वर्कर थी पूरे डिस्ट्रिक्ट की। तो एक दो, वैसे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही घूमा मैं, लेकिन दो ब्लॉक में तो लगभग हर गांव में हर आंगनवाड़ी वर्कर की आंगनवाड़ी में चला गया हूँ। ये सारी बातें डिटेल में चर्चा करी कि भाई क्या खेल हो रहा है, स्वास्थ्य पे क्या खेल हो रहा है, और ये खेतों में क्या हो रहा है, और तुम इसकी जड़ में हो, ये भी चर्चा करी। तो एक लंबे समय से चल रहा था। और एक चीज़ और है, जैसे हमने देखा है किसान आंदोलन की बात करा, हमारे बुजुर्ग हैं वे भी, कोई भी किसान नेतृत्व करेगा या समाज का नेतृत्व करेगा, थोड़े दिन बाद वो क्या करा है, सिस्टम तो बदलाव में आंदा नहीं, वो टूट जाए। क्योंकि एक आदमी कितनी ऊर्जा खर्च करेगा, अगर घर भी चलाना है, अपने घर से पैसा भी फूकना है, समय भी फूकना है, और अपना सारे काम धंधे भी हैं, तो टूट जाता वो। इसी तरीके से जैसे भाइयों ने कहा, कहीं ने राजीव दीक्षित जी को सुना है, पिछले 10 से 12 साल का जो दौर है उसमें मेरे जैसे और राजीव दीक्षित जी को सुनने वाले बहुत लोग हैं, जो लगभग ये कहना शुरू कर रहे थे, भाई आप अपने लेवल पर तो कर रहे, बाकी बदलाव तो बड़े लेवल पर कुछ हो नहीं रहा, बस ठीक अपने लेवल पर कर रहे हैं। तो मैं भाई बलारा जी तक कह रहा था कि अगर वो चंडीगढ़ वाला कार्यक्रम उस लेवल पर नहीं उछलता और वो एक स्टेप नहीं ले गांदे, तो राजीव दीक्षित विचारक भी बस अपने लेवल पर ही मेहनत करके और थोड़े दिन बाद वो भी टूट जाते। लेकिन उनको वो एक हौसला मिला। और मैं कई दिन तक एक बात कह रहा हूँ कि जैसे मान लिया कोई ये कूड़ादान है पीछे अपने, इसका मैं डली मारूंगा तो आसान है क्योंकि बड़ा है वो, और अगर एक छोटी ही बोतल दूर रख दूँ उसके मैं मोटा पत्थरी मारूंगा तो मिस हो सके। तो अगर मान के चलो हम ये सोच लें कि ये कूड़ादान तो बड़ा है, इसका तो लग गए को नहीं, फिर तो परेशानी थी, और इसका छोटी डली मार देंगे तो इसका कुछ बिगड़ना भी नहीं। लेकिन अगर 10 जने और मोटे मोटे है पत्थर ठाकर 10 मारेंगे तो इसका निशान जरूर पड़ेंगे, क्योंकि चारों का नहीं 10 जने मारेंगे। तो जो ये व्यवस्था है जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हम कर रहे थे, इस पर बात करते करते परेशान हो लिए थे और समाधान कुछ हो नहीं रहा था। तो भाई साहब के उस चंडीगढ़ वाले इवेंट ने मतलब एक ऐसी चिंगारी को हवा दे दी, अब लग रहा है कि भाई अब तो कुछ कर देंगे। तो ये है। और जो जनता सरकार मोर्चा की एक अच्छी पहल ये रही कि समाज में एक ये मैसेज चलाएगा, ये भाई कुछ करेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो सारे भाई उसमें मिलकर काम करें, उनका एक ये है कि भाई अगर स्वार्थवश जुड़ोगे ना तो भाई दूर तरह आराम कर लो, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि भाई हम एक साल में 2 साल में बदल लेंगे, समय लगेगा और समय में कई पीढ़ियां हाउ तो होंगी, तो दोबारा तो वो सिस्टम बनेगा जो भाई साहब कह रहे कि अगले 100 साल तक का हमें विजन रखना पड़ेगा। तो बस उसी में लगे हुए। अब एक चंदना है, ये बात खुली सी, मजा आ रहा है काम करना। इतना सा